प्रत्याशी डॉक्टर केपी यादव 22 अप्रैल को भरेंगे अपना नामांकन फॉर्म। लोकसभा चुनाव में कार्यकर्ता एकजुट होकर जी जान से चुनाव प्रचार में जुट जाने को लेकर गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में लगातार बैठकों का दौर चुनाव अभियान को लेकर चल रहा है। गुना संसदीय क्षेत्र से 8 विधानसभाओं में विधानसभा स्तर के सम्मेलन का आयोजन भी किया जा रहा है। इसी के तहत आज बमोरी विधानसभा क्षेत्र एवं म्याना में एवं सिरसी में मंडल के भाजपा कार्यकर्ताओं एवं प्रथम आगमन पर लोकसभा प्रभारी डॉक्टर केपी यादव का भव्य स्वागत कर अगवानी की गई। श्री यादव 22 अप्रैल को सुबह 10 बजे शिवपुरी से नामांकन पत्र भरेंगे। सेवा में मैंने प्रण लिया है, एक संकल्प लिया है कि मैं देशभक्ति के लिए देश हित में राष्ट्र हित में माननीय नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चलूंगा। मैं भी आप जैसे एक कार्यकर्ता हूँ, आप में से ही मुझे चुना गया है। आने वाली पीढ़ियां तक इसके लिए हमें कभी माफ नहीं करेंगी। ये वोट आप मुझे नहीं दे रहे हो, एक सांसद नहीं बना रहे हो, इस वोट की बहुत बहुत सोच समझ के ये वोट देना है। अगर आप उन्हें वोट देंगे जो देश को तोड़ना चाहते हैं, या उन्हें वोट देंगे तो जो जीतने के बाद भी मात्र उस पप्पू के आगे पीछे घूमते रहेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं। या फिर आप ये वोट उसको देंगे कि इस वोट की वजह से देश की तरक्की में, देश को विश्व गुरु बनाने में अपना कोई योगदान इस क्षेत्र का रहे। भाई हम ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देना चाहेंगे जो देश के गद्दारों के पक्ष में खड़ा हो, जो आतंकवादियों के पक्ष में खड़ा हो। हम ऐसे व्यक्ति के लिए अपना वोट देना चाह रहे हैं कि जिस वोट की वजह से आतंकवादियों का खात्मा ऐसे हो जैसे अभी पुलवामा में हुआ कि उनने आके हरकत की और हमने उनके घर में जाके उन्हें ठोका। तो आपका एक एक वोट बहुत महत्वपूर्ण है, और आप ये वोट किसको दे रहे हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप जैसा कार्यकर्ता हूं, ये आपका चुनाव है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम एक ऐसी पार्टी के कार्यकर्ता हैं कि इस पार्टी में एक आम कार्यकर्ता को उसकी क्षमताओं के आधार पर चुना जाता है।